नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए एक ऐसा ट्रिक लेकर आए हैं। अगर आप उस ट्रिक को आजमाते हैं तो आपका इंटरनेट दुगना चलने लगेगा, आपका इंटरनेट बहुत तेज चलने लगेगा, मतलब आप रॉकेट की चल आपका इंटरनेट चलने लगेगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों ये सेटिंग आपको किसी ने नहीं बताया होगा, आपको ये ट्रिक आपको किसी ने बताया होगा, मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ आपका इंटरनेट बहुत तेज चलने लगेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों इस वीडियो को स्क्रिप मत करिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। चलिए दोस्तों फाइनली स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को मारना ना भूलिएगा ताकि आप मेरे वीडियो से सबसे पहले जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों फाइनली अब स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाता है ऑप्शन सेटिंग का, सबसे पहले नंबर आपको सेटिंग में जाना है या फिर आपको यहाँ पर स्क्रॉल कर देना है, यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क पे इसके दबा कर रखना है, आपको डायरेक्ट पहुँच जाएंगे आप उसके सेटिंग में। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर मेरा सिम जो कि लगा है पहले जियो का और दूसरा आइडिया का। सिंपल से आपको यहाँ पर क्लिक करना है जियो पर, जो कि जियो का सिम आपका जो कि होगा। तो जियो सिलेक्ट कर लीजिए, आपको जिससे इंटरनेट चलाना है वो सिलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले नंबर पर आपको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है ऑप्शन एक्सेस पॉइंट नेम, इस पर सिंपल से आपको क्लिक कराना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं इंटरनेट ज्वाइंट, सिंपल से आपको यहाँ पर न्यू एपीएन पर क्लिक करना है। न्यू एपीएन पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पर नेम में डालना है आपको जियो इंटरनेट। आपको ध्यान में रखना है सबसे पहले नंबर पे आपको इंटरनेट, जैसे आपका पहला अक्षर जियो, जियो को आपको बड़े अक्षर से पहले नंबर पे लिखना है और इंटरनेट को भी बड़े अक्षर से लिखना है पहले नंबर पे, पहले अक्षर को। और उसके बाद ओके कर देना है और यहाँ पर एपीएन में आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट निकलेगा, वो भी बड़े अक्षर से। ये ट्रिक आपको किसी ने नहीं बताया होगा और ये कोई बताता नहीं है क्योंकि किसी को जानकारी नहीं है इसकी इस ट्रिक के बारे में। तो आपको मैं पर्सनली बता रहा हूँ अपने यूजर्स को। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और मैं आपको आगे और ट्रिक बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मैं उम्मीद करूँगा आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर ओके कर देंगे तो ये आपका एपीएन बनकर तैयार हो चुका है। सिंपल से आपको उस पर क्लिक नहीं करना है कहीं पर भी, और आपको यहाँ पर मोर पर सेलेक्ट करना है। मोर पर जाने के बाद यहाँ पर सिंपल से आपको सेव कर देना है, सेव करके आप बाहर चले जाना है। ये आपका इंटरनेट देख सकते हैं यहाँ पर सेव हो चुका है, सिंपल से आपको इस पर क्लिक कर देना है और ये आपका जो कि इस पर सेलेक्ट हो गया है। आप सिंपल से आपको यहाँ पर चले जाना है बैक। बैक आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मोर में जाएंगे, मोर ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर सिंपल से आपको जो कि मोबाइल डेटा ऑन होना चाहिए, और आपका जो कि यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है आपको, यहाँ पर सिम कार्ड नेटवर्क में जाएंगे, यहाँ पर आपको सिंपल से आपका मोबाइल डाटा और यहाँ पर वोल्ट अनेबल ये अनेबल होना चाहिए, और आपका डेटा रोमिंग ये भी अनेबल होना चाहिए। तो डेटा रोमिंग ये अनेबल होना चाहिए, मतलब ऑलवेज होना चाहिए, और ये नेवर नहीं होना चाहिए, मतलब बंद नहीं होना चाहिए, ऑफ नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको सिंपल से फिर बैक आ जाना है और यहाँ पर डेटा लिमिट जो कि आप होता है यहाँ पर ऑप्शन होता है डेटा लिमिट का, तो देख सकते हैं यहाँ पर सेट डेटा प्लान ये लिखा हुआ है, इस पर तो आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर डेटा यूजेस इसे यहाँ पर ऑन नहीं करना है, ये आपको ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद दोस्तों आपको सिंपल से बैक चले जाना है, आपको इंटरनेट को स्विच आपको अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देना है, स्विच ऑफ करके इसे फिर से ऑन करना है। आपका जो कि आपका इंटरनेट बहुत स्लो जो कि चल रहा होगा वो तेज़ी से चलने लगेगा, स्विच ऑफ करके ऑन कर देना। आपको कुछ समय बाद फिर से डेटा को ऑन करना है और आपका इंटरनेट बहुत तेज़ चलने लगेगा। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आया होगा, और अगर आपको जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में मुझे बताएं। ये वीडियो देखने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद।